Hello, virtual. Let us see this question, and the question says the focal length of the objective and the eyepiece of a compound microscope are 2 cm and 3 cm respectively. The distance between the objective and the eyepiece is 15 cm. The final image formed by the eyepiece is at infinity. Okay. The two lenses are thin. The distance in centimeter of the object and the image produced by the objective. है ना मेजर्ड फ्रॉम दी जाकर के हम लोग ऑब्जेक्ट को रखें तो जिसकी वजह से क्या हो जाए फाइनल इमेज जो है वो पर पर बने Infinity पर बने 1995 का आया हुआ क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो आपको इसमें क्लेरिफाई करना पड़ेगा डायग्राम के थ्रू ठीक है तो देखिए ध्यान से बेटा सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं एक हमारे पास में ये वाला है लेंस ठीक है इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं और ये वाला जो दूसरा है इसको हम लोग कह देते हैं बेटा आई पीस ठीक है ये क्या है हमारे पास में आई पीस दोनों की जो एक्सिस है वो ये वाली होगी हमारे पास में अब फाइनल इमेज जो बननी चाहिए बननी चाहिए वो कहाँ पर इन्फिनिटी पर बननी चाहिए अब इन्फिनिटी पर बनेगी इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास में आई पी यानी कि ये जो दूसरा वाला है यहाँ से रेज एकदम पैरल जानी चाहिए है ना यानी कि अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से ये हमने दो रेज को निकाला ठीक है तो ये दो रेस इस तरीके से कंबाइन होनी चाहिए इस तरीके से और ये इस तरीके से ठीक है कि यहां पर पर जाने के के बाद में कैसी हो जाए बेटा? हो जाए। कैसी हो 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 जाए हो जाए 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 बेटा होगी तो ये कहां पर जाकर के मिलेगी इंफिनिटी पर ऑब्वियसली इमेज होगी अब ये पैरल अगर होगी तो ये यह यहां पर कहीं से आ रहा होगा जहां पर ये एफ जो होगा वो किसका हो जाएगा ई e का होगा हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि जो इस ऑब्जेक्ट की जो ये पहला वाला जो इमेज बनाए वो कहां पर बनाए

चूज कर लेते हैं, देखिएगा, तो ये ये है, कितने पर बारह सेंटीमीटर पर बनाई है तो यू की वैल्यू निकाल सकते हैं ठीक है ठीके? तब ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला होता है हमारे पास में सीधा सीधा लेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी दैट इज इक्वल टू वन बाई ओके

Means कितनी आ जाएगी? U आ जाएगी जाएगी सेंटीमीटर तो ये हमारे पास में यू की वैल्यू भी आ गई ओके okay? तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जो हमारे पास में दोनों के दोनों आंसर हो जाएंगे वो ये वाले दोनों हो जाएंगे जो कि हमारे को किस में दिए गए हैं बेटा ये दिए गए हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए के अंदर देखिए टू पॉइंट फोर एंड ट्वेल्व ओके बेटा तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा चलिए इसको हाईलाइट कर देते हैं ये वाला ए विल बी करेक्ट आंसर होप यूर अंडरस्टूड इट वेल ऑल द बेस्ट